आम चुनाव से पहले रफाल को मुद्दा बनाकर विपक्ष मोदी सरकार को घेर रहा है। सियासी गलियारों में विपक्ष ने एक ही नारा बुलंद कर रखा है कि देश का चौकीदार चोर है। आज भी संसद परिसर में इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। इन सबके बीच मोदी सरकार ने बजट सत्र के आखिरी दिन आज राज्यसभा में रफाल विमान सौदे पर कैग की रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसे लेकर अब केंद्र फ्रंट फुट पर आ गया है, जबकि कांग्रेस ने कैग को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव से पहले रफाल पर ऐसा घमासान छिड़ा के बजट सत्र के आखिरी दिन संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इसकी गूंज सुनाई दी। भारी हंगामे के बीच आज मोदी सरकार ने रफाल पर सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी, जिसके बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में तू तू मैं मैं जारी है। राज्यसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने जो रफाल विमान की डील की है वह सस्ती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह डील 2.86% सस्ती है। हालांकि बिल्कुल तैयार अवस्था में रफाल की कीमत यूपीए सरकार जितनी ही है। इस रिपोर्ट में विमान के दाम नहीं बताए गए हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 126 विमानों की तुलना में भारत ने 26 रफाल कॉन्ट्रैक्ट में 17.08% पैसे बचाए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार की डील के अनुसार रफाल विमान की डिलीवरी तय समय से काफी पहले हो रही थी। एक और पिछली डील में जहां 72 महीने का समय लग रहा था, लेकिन अब सिर्फ 71 महीने का समय लग रहा है और इसमें से भी 18 विमान 5 महीने पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। वैसे जहां एक तरफ सीएजी की रिपोर्ट एनडीए के सौदे को सस्ता बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें फ्रांस की कंपनी दसॉ एविएशन से बातचीत करने वाली टीम में शामिल रक्षा मंत्रालय के 3 वरिष्ठ अधिकारियों ने माना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो सौदा किया है वह यूपीए से बेहतर नहीं है। आए दिन हो रहे इन खुलासों से विपक्ष के तेवर पहले ही तल्ख थे, लेकिन आज जब सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश कर खुद को बचाने की कोशिश की तो विपक्ष और भड़क गया। 141 पेजों की रिपोर्ट रखे जाने के बाद राज्यसभा में ऐसा हंगामा हुआ कि 3 तलाक, नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा के बिना ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का कहना है कि हमारे आरोप बिल्कुल सही हैं। सीएजी रिपोर्ट में ना तो कोई बैंक गारंटी का जिक्र किया गया है और ना ही खाते की बात कही गई है। मोदी सरकार ने महंगा विमान खरीदा, हालांकि इस रिपोर्ट को सरकार सत्य की जीत बता रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।